इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ आपको क्या निकालना है, जो भी अल्फा हाइड्रोजन है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आप लोगों को बताना है कि किसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं CH2, इस तरह से आप H यहाँ से निकाल सकते हो, इस तरह से इस तरफ से भी यहाँ से आप H निकाल सकते हो। ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यदि हम लोग इसको देखें तो इस वाली पोजिशन पे भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे इसमें तो यहाँ भी क्या है, CH3 है, तो यहाँ से यदि हम H निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा। फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी जो कार्बन है या एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि सबसे ज्यादा जो एसिडिटी है वो किसकी होगी। आप लोग यहाँ पे देखो कि इसमें नाइट्रोजन क्या कर रहा है, लोन पे डोनेट करेगा। ठीक है, तो एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो तो खींच रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, और इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की वजह से दोनों तरफ से क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम, यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम, और एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, माइनस एम। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो एनायन की जो स्टेबिलिटी है, एनायन की जो स्टेबिलिटी है यदि वो ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो भी क्या होगा, ज्यादा। और एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते कौन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं लाइक माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जैसे कि प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एनायन की स्टेबिलिटी को काफी कम कर देगा। तो डी तो सबसे कम स्टेबल होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद कौन सा होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, वो ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये वाला ग्रुप भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और चूंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन इससे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लॉस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लो चाहो तो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, नाइट्रोजन की कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए सी। फिर उसके बाद हम ए और बी में कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, एनायन है, और यहाँ ये केवल एक ही क्या लगा गए, माइनस एम लगा गए, तो इसके बाद कौन सा इफेक्ट आना चाहिए, ए। और इस वाले एनायन में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में हाइड्रोजन निकालने के बाद जो एनायन बना है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या लगाएगा, माइनस एम लगाएगा, इसलिए इसका जो एनायन की एसिडिटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए सबसे ज्यादा जो एसिडिक होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, बी। तो इसका जो सही ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी सी ए बी।